कोयम्बटूर में रहने वाले सुरेश कुमार की अपनी लाठी की एक दुकान है और यह लाठी की दुकान लॉकडाउन में बंद पड़ी थी और इस दौरान उनका जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है जिस पे वो अपनी मार्केटिंग करते हैं वो रहती है उनकी बाइक। लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाला उन्हीं के मोहल्ले में एक चाय की टपरी पर काम करने वाला प्रशांत नाम का लड़का उनकी बाइक को चुरा कर ले गया। उन्होंने CCTV देखी तो उसमें साफ था कि प्रशांत ही उनकी बाइक को ले गया है और जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने कहा कि इस वक्त वो कोरोना के का लॉकडाउन का पालन करवाने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं और सिर्फ एक बाइक चोरी के लिए ढूंढने के लिए इस वक्त वाकई में उनके पास कोई भी स्टाफ नहीं है और जब लॉकडाउन खुलेगा और सब कुछ नॉर्मल होगा तो वो उनकी बाइक को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो जिसके बाद सुरेश कुमार ने समझ लिया था कि अब उनकी बाइक उनको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन 18 मई को चोरी हुई बाइक अचानक से 31 मई में वापस पार्सल में आ जाती है और 31 मई को कुरियर कंपनी वाले उन्हें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके नाम का एक पार्सल आया है जिसमें एक बाइक है और सुरेश कुमार चौंक जाते हैं जिसके बाद वो अपनी बाइक को पाते हैं। हालांकि इसमें इतनी भी ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है कि एक आदमी अपने घर पहुंचकर बाइक वापस कर दी, वो भी उसने भलाई में। दरअसल में भलाई में कुछ भी नहीं हुआ, सुरेश कुमार ने नामजद रिपोर्ट करवा दी थी प्रशांत की और प्रशांत इस बात को भली भांति जानता था कि नामजद रिपोर्ट का मतलब क्या है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और वो वापस कोयम्बटूर जाएगा, कोयम्बटूर ना भी गया तो भी पुलिस उसको एक ना एक दफ़ा उठाएगी ज़रूर, तो इस सब से बचने के लिए उसने वो बाइक वापस कर दी। लेकिन इस खबर को हमारी मीडिया इस तरह से पेश कर रही है जैसे कि प्रशांत कुमार ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी दिखा दी हो, पहले बाइक चुराई हो और फिर अपनी मर्जी से उसे वापस कर दिया हो। लेकिन हकीकत यह है बाइक चुराई, अपने घर गया 200 किलोमीटर दूर क्योंकि कोई काम नहीं था, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, कोई पैसा नहीं मिल रहा था, अपनी बीवी और बच्चे को लेकर 200 किलोमीटर दूर प्रशांत गांव में गया और वहां पर जब उसे डर लगा कि अब उसको पुलिस उठा लेगी तो उसने बाइक वापस कर दी। तो यह सब हुआ है पुलिस के डर की वजह से, यह कोई इस वजह से प्रशांत ने बाइक वापस नहीं कर दी कि उसका काम हो गया तो अब वो बाइक वापस कर दे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।